हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट क्वेश्चन पूरी। आज आम 10th क्लास विलेशन कवितार पांच गोटी लॉन्ग टाइप आलोचना करवा। मैंने पांच गोटी लॉन्ग टाइप तुम एफ ए थ्री रे निश्चित भाव आसीब। तेणु यदि आम चैनल को प्रथम थर देखुं निश्चित भाव लाइक करो, शेयर करो एवं रिक्वेस्ट आम चैनल को सब्सक्राइब करो एवं आम वीडियो को तुम सांग शेयर कर दे जपर से क्लास गुड़ी को अटेंड करें। आलोचना करवा विलेशंगर पांचोटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आम प्रीवियस क्लास रे पांचोटी लॉन्ग टाइप आलोचना करूँ। एबे क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ आर द वाल प्लीजर कंपेयर टू द प्लीजर ऑफ द फेयरी लैंड इन द पोएम विलेज सॉन्ग। पे प्रथम क्वेश्चन टी बुझापी चेष्टा कर। हाउ आर द वाल प्लीजर, पे वाल प्लीजर अर्थ है सांसारिक सुख, सांसारिक सुख बा पार्थिव सुख जहाँ संसार रे मिले। हाउ आर द वर्ल्ड प्लीजर कंपेयर, पहले पार्थिव सुख को बा सांसारिक सुख को किपरी तुलना करा जाए, किपरी तुलना करा जाए का सहित ना टू द प्लीजर ऑफ फेयरी लैंड। पहले फेयरी लैंड मैंने कौन ना परी माने जो रुहंती तेले परी मानंकर बा परी माने रहुतुवा स्थानर खुशी को आनंद को किपरी पार्थिव सुख सहित बा सांसारिक सुख सहित तुलना कराई कौथरे इन द पोएम विलेशंग कवितारे कवि किपरी सांसारिक सुख को परिमानंकर बा परिराइजर सुख सहित किपरी तुलना करछंती ताहा में देखिबा। द मदर वांट्स, माँ चाहे, पिलवाने देख प्रेजेंट सिंपल अछि वांट्स। द मदर वांट्स टू कन्विंस मीन्स बुझेबाकू, तले माँ चाहती बुझाइबा को कहा को ना हर डॉटर तार झियो को टू एंजॉय द वर्ल्ड प्लेजर्स, टू एंजॉय उपभोग करने को कौन द वर्ल्ड प्लेजर पार्थिव सुख सांसारिक सुख को उपभोग करिया पाई माँ कहा बुझा पाई चेष्टा करे तार झियो को। बट किंतु द गर्ल यर्नेस्टली व्यग्र भाव डिजायर इच्छा करे चाहे टू गो टू द फॉरेस्ट, पर जापाई जंगल को जापाई टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ताले जंगल कहीं जीव ना टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ताले प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करने झीटे व्यग्र सहित जंगल को जीवाई इच्छा करे। फॉर द डॉटर, झीटी पाई द वाल प्लीजर आर टेम्पोरारी, ताले ये पार्थिव सुख क्षणस्थायी एंड शॉर्ट लिव, पे जहाँ अवास्तव बा क्षणस्थायी जहाँ परमानेंट नुहे। द प्लीजर ऑफ फेयरी लैंड आर फार बेटर दैन वाल प्लीजर, ताले एठारे झीटी कहुची द प्लीजर ऑफ फेयरी लैंड, ताले फेयरी लैंड रो खुशी आनंद आर फार बेटर बहुत भल काठारु दान वाल प्लीजर सांसारिक खुशी ठारु सांसारिक सुख ठारु। द प्लीजर वी गेट इन द फेयरी लैंड प्रोवाइड्स इटर्नाल जय, द प्लीजर वी गेट इन द फेयरी लैंड, बोले जो खुशी जो आनंद आम कौट पाऊ वी गेट इन द
फेरीलैंड परी राइजर पागु प्रोवाइड्स इटर्नल जय बोले इटर्नल जय अर्थ कौन शाश्वत सुख चिरंतन आनंद जो आनंदर जो खुशीर कौन ना एंडिंग ना तेनाली कवि अति सुंदर भाव पार्थिव जीवन सुख को सांसारिक सुख को क्या तुलना करना फेरीलैंड प्लीजर बा परीराइजर सुख सहित तुलना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर सेवेन हु इज द पोएट ऑफ भिलेसंग ताले भिलेसंग कवितार कवि किए गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एबार द पोएट ताले कवि विषय आम एक संक्षिप्त बरणी देवा पे देख ताले कवितार कवि किए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इज द पोएट ऑफ भिलेसंग ताले भिलेसंग कवितार कवि होती किए सरोजिनी नायडू। सी वाज बर्न इन हाइद्राबाद से कौटी जन्मग्रहण करते हाइद्राबाद रे केबे ऑन फेब्रुआरी 13, 1879 पाने फेब्रुआरी मस 1879 मसीहा फेब्रुआरी मस 13 तारिख रे से क्योंटी जन्मग्रहण करते ना सी वाज बर्न इन हाइद्राबाद हाइद्राबाद ठारे जन्मग्रहण करते। सी वाज ए चाइल्ड प्रोडिज पे प्रोड्यूस मान कौन प्रोड्यूस अर्थ असाधारण व्यक्तित्व व्यक्ति प्रतिभावान व्यक्ति तेनाली सी वाज ए चाइल्ड प्रोड्यूस फ्रीडम फाइटर जड़े स्वाधीनता संग्रामी एंड ए पोएट एवं जड़े कवि सी गेव हव पे गेव हव मान कौन फ्रेजाल भव सी गेव हव सी त्याग करते हर लिटरेरी कैरियर पे लिटरेरी अर्थ कौन साहित्यिक जीवन लिटरेरी कैरियर अर्थ कौन साहित्यिक जीवन सी गेव अप हर लिटरेरी कैरियर टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल बाय लेड बाय महात्मा गांधी तले गांधी को द्वारा परिचालित स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवाई सी तांकर साहित्यिक जीवन को त्याग देते जलांजलि देते। सी वाज द फास्ट इंडियन वोमेन से होती प्रथम भारतीय महिला टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जे कि नेशनल कांग्रेस रो प्रथम प्रेसिडेंट थे। सी वाज अल्सो फास्ट वोमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश सी वाज अल्सो फास्ट वोमेन से मध्य प्रथम महिला थे टू बिकम द गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश ताले उत्तर प्रदेश प्रथम गवर्नर भाव से प्रथम महिला थे। सी वाज पॉपुलर नोन आज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ताले से अति जनाशुना थे को नाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारतर बुलबुल भारतर बुलबुल कहले क्या बुझाए सरोजिनी नायडू। सी पास्ड अवे इन 1949 पास आए मैंने कौन तर मृत्यु घटी परलोक घटी के इन 1949 1949 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पे क्वेश्चन नंबर 8 हु डज हनी चाइल्ड रिफर टू द पोएम विलेज सॉन्ग पे हु डज द हनी चाइल्ड रिफर ताले हनी चाइल्ड कहले क्या निर्देश कराऊ टू द पोएम विलेज सॉन्ग विलेज सॉन्ग कवित हनी चाइल्ड क्या रिफर कराऊ हनी चाइल्ड कहले आम क्या बुझा एंड व्हाई एवं कहीं हनी चाइल्ड रिफर टू यंग डॉटर पे हनी चाइल्ड रिफर हनी चाइल्ड क्या रिफर करना टू ए यंग डॉटर जड़े युवती झील इन द पोएम द विलेज सॉन्ग कवित हनी चाइल्ड कले एक युवती झील को बुझे यंग डॉटर को बुझे द मदर ऑफ यंग डॉटर द मदर ऑफ यंग डॉटर से युवती झीर माँ लव्स आर भेरी मच ताको बहुत भल पाती लव्स आर भेरी मच मैंने प्रेजेन्ट सिंपल अच्छे
loves her very much. A child is always lovable to her mother. A child, gote shishu, is always lovable. Sabu bale snehi to her mother. Kaha pai? Tara maa pai. Similarly, seipari, the mother always takes care. Maa sabu bale kaun niyanti? Jatna niyanti. Of her children. Tara pilamanankara. That's why, kahengi, the mother in poem Bhilesham. The mother in the poem Bhilesham. Bhilesham kavitare ma is calling her daughter. Tar jhiyo ko dakuchi lovingly. Ati adore, ati snehore, as a honey child. As a honey child. Tale ma ati snehore, shradhare, sambodhan kori kaha dakuchi jhiyo ko dakuchi honey child. Pile next question dekhiba. Question number 9. Who are the speaker in the poem Bhilesham? Tale Bhilesham kavita re speaker kie, bakta kie? What do they talk about? Semane keu bisare katha heuchanti? Pile answer. The speaker in the poem. The speaker in the poem Bhilesham. Bhilesham kavita re speaker आर ए मदर एंड हर बिलव डॉटर जने माँ एवं तार प्रिय झियो माने बिलव डॉटर माने कौन प्रिय झियो दे टॉक ईच अदर अबाउट मैरिज ताले से माने टॉक्ड माने कथा होतिले पास्ट सिंपल अछि बुझल अछि पास्ट सिंपल से माने कथा होतिले ईच अदर परस्पर भितर एबाउट मैरिज को विषय ना विवाह विषय इन द पोएम मदर वांट्स टू सी हर डॉटर्स हैप्पी मैरिज लाइफ इन दिस पोएम यही कविता रे मदर वांट्स माँ चाहती कौन चाहती ना टू सी देखा कौन देखापी ना हर डॉटर्स हैप्पी मैरिज लाइफ तांको झीर खुशीर वैवाहिक जीवन को देखिया पाई माँ चाहती बट किंतु द यंग गर्ल युवती झीटी डजंट विश इच्छा करे ना चाहे ना टू गेट मैरिड कौन करापाई विवाह करने इन दिस पोएम एक कवित द मदर पर्स्यूडेड पे पर्स्यूडेड अर्थ कौन प्रवर्ता बुझापी चेष्टा करती हर डॉटर तांकर झियो को टू मैरी विवाह करिया पाए बट इन रिप्ले किंतु उत्तर रे द डॉटर डजंट वांट टू मैरी झियोटे डजंट वांट चाहे ना टू मैरी विवाह करिया पाए बिकॉज कारण सी से दैट से कहे जे मैरिज लाइफ इज फुल ऑफ अनहैप्पीनेस ताले वैवाहिक जीवन अति दुखमय से कहे जे दैट मैरिज लाइफ इज फुल ऑफ अनहैप्पीनेस जे वैवाहिक जीवन संपूर्ण भाव दुखमय ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया प्लान एटा होची लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मदर क्वेश्चन टू द डॉटर व्हाट आर द मदर क्वेश्चन पिले माँ कौन प्रश्न पचारे टू द डॉटर इन द पोएम Bhilesham Bhilesham कवित माँ झीटी को कौन प्रश्न पचारे द मदर पुट्स डिफेन्स क्वेश्चन्स टू द डॉटर इन द पोएम Bhilesham माँ पुट्स डिफेन्स क्वेश्चन ताले भिन्न भिन्न प्रश्न रखे टू द डॉटर कहापी झीपाई इन द पोएम Bhilesham ताले Bhilesham कवित माँ विभिन्न प्रकार क्वेश्चन क्या पचारे झीटी को पचारे द मदर आक्स हर द मदर आक्स हर माँ ताको पचारे क्या पचारे पे हर क्या इंडिकेट ना डॉटर व्हेयर सी इज गोइंग से कुआडे जाऊँगी व्हेयर सी इज गोइंग से केवड़े जाऊँगी द मदर वांट्स टू नो
माँ चाहती टू नो जानवाकू विदर सी वुड कास्ट ऑल हर ज्वेल्स एंड ए लिव मदर हू हाज फेड हर डेलीसीयस फुड विदर सी वुड कास्ट पे मैंने कास्ट मान कौन थ्रो कास्ट मान थ्रो विदर सी वुड कास्ट से फोपाड़ी दब कि से फिंगी दब कि ऑल हर ज्वेल्स तार समस्त गहना तार समस्त अलंकार एंड लिव त्याग कर कि मदर तार माँ को हु हाज फेड हर डेलीसीयस फुड हु हाज फेड पे फिड रू कहीं चेटे फेड होती प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हाव हाज प्लस पीपी पीरियड ध्यान दियो हु हाज फेड जी खुआई कौन खुआई क्या खुआई ना हर ताकू कौन खुआई डेलीसीयस फुड स्वादिष्ट भोजन अति भल खाद्य द मदर अल्सो आक्स माँ मध्य पचारती हर ताकू विदर सी वुड लिव द लवर सी तार प्रेमिक को छाड़ीदब कि इन ग्रीव मान कौन दुखरे हु इज कमिंग टू मैरी हर जे विवाह करिबाकु आसुअछि जे विवाह करिबाकु आसुअछि से छाड़ दबो कि ए प्रश्नटी किए पचारे माँ पचारती ये लास्ट क्वेश्चन आम नेक्स्ट क्लास रे विलेसन कवितार अन्य लॉन्ग क्वेश्चन रुकु आलोचना करिबा जदि आमर ए भिडियोटी तुमको भल लगुच निश्चित भाव लाइक करो, शेयर करो एवं रिक्वेस्ट आम चैनल को सब्सक्राइब करो। आम नेक्स्ट क्लास रे आर अन्य क्वेश्चन गुड़ को बिट बाय बिट आलोचना करिबा।